जा बे छोटू, हाँ पैसा लोगे हमसे? तो पक्का आपको झंडू ही हूँ। तो और मेरे मीमर लोग, क्या हाल है भाई? तो वेलकम टू टेक्निकी यूट्यूब चैनल। तो भाई आज जो हम वीडियो एडिटिंग करेंगे वो एक मीम ट्यूटोरियल है जिसकी काफ़ी लोग आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। है तो बहुत कॉमन सा, बट पता नहीं क्यों काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी कि थग लाइफ एडिटिंग भाई बता दो। और जिन लोगों को भी एडवांस मीम एडिटिंग के ट्यूटोरियल चाहिए तो वो इस वीडियो को देखते डिसअपॉइंट मत होना। मैं आपके लिए भी गाइस लाऊंगा एडवांस ट्यूटोरियल भी अलग से, बट ये उन लोगों के लिए है जिनको एडिटिंग नहीं आती है, जिनके मीम पेज नहीं है, जो सीखना चाहते हैं। तो भाई सबको लेकर चलना पड़ता है साथ। सो आई होप कि आप मेरे तरफ से भी समझ रहे होंगे थोड़ा। सो लेट्स गो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको ज़रूरतें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरतें पड़ेगी इस थग लाइफ मीम को बनाने के लिए, ठीक है? सबसे पहले तो आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें कोई सा थग लाइफ वाला एक्शन हो रहा हो या पंच लाइन हो या कुछ भी। उसके बाद जो मैंने थग लाइफ वाला साउंड इफेक्ट यूज़ किया था वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको दे दूंगा। कहाँ दूंगा वो मैं आपको बता दूंगा जब अपन यूज़ करेंगे उस वीडियो को तभी। उसके बाद जो तीन इमेजेस लगेगी PNG फाइल्स, जो चश्मा आता है और सिगरेट टाइप कुछ आता है उसकी जो इमेजेस है वो भी लगेगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम यूज़ करेंगे तब कि कहाँ से आपको लेनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस, उसका नाम है काइनमास्टर सॉफ्टवेयर। तो ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। और यहाँ पर से मैंने मीडिया में गया और उस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? अब जो फालतू का पार्ट है उसको मैं यहाँ से सीजर वाला आइकन से ट्रिम कर सकता हूँ यहाँ पर से, तो उसको मैं हटा दूंगा। जो मेन डायलॉग है मुझे वही चाहिए, सो इसको मैं ट्रिम वगैरह कर लेता हूँ। और ये अगर ट्रिम वगैरह भी आपको करते नहीं आता तो इसके भी ऊपर मैंने बेसिक ट्यूटोरियल बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलो ये मैंने रिमूव कर दिया फालतू का पार्ट। अब सिर्फ इतना पार्ट है कि इसका जो डायलॉग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो आपको ऐसी कोई सी जगह ढूंढना है जहाँ पर इसका मतलब लुक अच्छा आ रहा हो अपने को, क्योंकि इसकी पिक का एक स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपल सी बात। तो ये देखो, ये जगह मैंने ढूंढ ली, यहाँ पर मुझे इसका लुक सही लग रहा है, तो आप भी लेफ्ट राइट करके देख सकते हो। अब आपको ये थ्री इस आइकॉन पर क्लिक करना है, ये वाले आइकॉन पर, और कैप्चर एंड एड एज क्लिप करना है, ठीक है? अब ये गलती से बीच में आ गया है तो इसको क्या करो, इसे होल्ड करके रखो और हल्का सा वाइब्रेट मारेगा, है ना? ये होल्ड किया, ये वाइब्रेट मार दिया, ठीक है? और इसको स्लाइड कर लो राइट साइड। बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है इसलिए मैंने इसको बताया। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या, हमने क्या किया, उस पिक का स्क्रीनशॉट ले लिया तो वीडियो चलते चलते एक तरह से रुक गई है। अब वो रुकी हुई जगह में हमको वो चश्मे घूमते फिरते ऐड करना है, तो चलो अब उसको ऐड करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि पहले हम साउंड इफेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये जो ऑडियो वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करो और वो साउंड इफेक्ट जो मैं आपको देने वाला हूँ उसको ऐड कर लो। तो अभी मैं इसको दूंगा कहाँ पर आपको, मैं गाइस आपके सामने इसको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूँ, मेरे टेक्निकी नाम है। चलो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना। और उसके साथ साथ कई सारे टेम्पलेट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है जो कि आपके मीम बनाने के काफ़ी काम आएंगे, तो आप ही के फायदे की चीज़ें आपका मन, आप कर लेना वहाँ से डाउनलोड। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर ऑडियो को। अब साउंड इफेक्ट को एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से गाइस, लेफ्ट राइट करके, कि जो मेन लाइन आती है ना वो हमारी जहाँ पर स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से शुरू हो। तो अब इसमें हम लगाते हैं कोई सा इफेक्ट के लिए फ़िल्टर लगा देते हैं, कलर फिल्टर। तो फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे, आपका जो मन हो गाइस। यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। मेन हमारा एम ये है कि थोड़ा सा डिफरेंटली दिखना चाहिए उस टाइम पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस, आप कर लेना आपके हिसाब से। तो अब इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ वो जो इमेजेस का मैंने आपको बोला था सिगरेट वगैरह की, तो उसको ऐड करते हैं थग लाइफ वाली फीलिंग लाने के लिए जो कि सबसे मेन चीज़ है हमारी। तो ये इमेजेस मैं ऐड कर लेता हूँ, चलो आपको बताता हूँ ये मैंने कहाँ से लिया। तो भाई आपके कोई से भी ब्राउज़र को आप ओपन कर लो और वहाँ पर जस्ट आपको सर्च करना है थग लाइफ PNG, तो इससे जादू हो जाएगा मतलब आपके सामने सारी इमेजेस आ जाएगी। अब ध्यान ये रखना है कि आपका जो ब्राउज़र वो डेस्कटॉप साइड में हो, क्रोम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यूज़ करना। तो बेसिकली PNG फाइल्स क्या होती है कि मतलब एक तरह से समझ लो, ये देखो इसका बैकग्राउंड अपने आप ही ये रिमूव हो गया, मतलब कटी हुई इमेजेस रहती है एक तरह से यार कह लो। और चलो कभी कभी होता है कि PNG इमेजेस नहीं मिलती है, तो ठीक है बाकी जो इमेजेस वो भी आप डाउनलोड कर लेना और कोई से भी सॉफ्टवेयर से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना, इतना तो कर लोगे आप, ठीक है? ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाती है PNG फाइल, फिर भी नहीं मिले तो बता रहा हूँ।
तो जस्ट इनको डाउनलोड करते जाओ और ऐड कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ लेयर वाला ऑप्शन जो है, इसमें जाओ, मीडिया में जाओ और वहाँ से आपकी इमेज को इम्पोर्ट कर लो सारी। तो यहाँ पर मैं जस्ट इम्पोर्ट कर रहा हूँ, अभी जमा नहीं रहा हूँ, बस सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर ली। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने चश्मे दो डाउनलोड कर लिए थे, एक ऐसा साइड लुक का भी। तो अभी क्या करो, फटाफट से उनको बस प्लेस कर लो जो उनकी करेक्ट पोजीशन होना चाहिए आपके हिसाब से। अब एकदम मतलब परफेक्टली तो नहीं लगेगा, बट फिर भी एज अ मीम आप समझ सकते हो कहाँ पर क्या चीज़ आने वाली है। तो जैसे चश्मा यहाँ पर लगा दिया, तो बेसिकली जो है हमको सिर्फ अभी प्लेस करना है इनकी करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है। इसको एनिमेट अभी नहीं कर रहे हम, अभी पहले प्लेस कर लो अच्छे से, इसके बाद हम एनिमेट करेंगे इसको। और यहाँ पर मुझे चश्मा जम नहीं रहा है इसका, तो नॉर्मल वाला ही मैं सोच रहा हूँ, साइड लुक वाला नहीं लगाता हूँ, नॉर्मल वाला ही यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ। अरे ये फिर से साइड लुक वाला आ गया, सॉरी, ये तो कोई नॉर्मल वाला यहाँ पर मैं प्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब नकली सा लग रहा है, पर कोई ना, ये साला साइड में पता नहीं क्यों दिख रहा है। आप जब बनाओ तो ट्राई करना, कोई बंदा सामने दिख रहा हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मीम ही है। अब बारी आती है गाइस एनिमेट करने की, पर उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे की जितनी भी लेयर्स है वो सारी एक साथ हो, जमी हुई हो, ठीक है, आगे पीछे ना हो, जिसे आप देख सकते हैं इसमें। अब करते हैं एनिमेट, पहले इसको थोड़ा सा पोजीशन सेट कर दूँ मैं, इसकी जो चैन है उसकी, ये भी देखो जम नहीं रही है, पर फिर भी ठीक है, कोई ना, मैंने शायद एग्जाम्पल के लिए गलत वीडियो सेलेक्ट कर लिया, पर कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आपको सिखाना था, तो आपका काम है सीखना, अभी हमको परफेक्ट नहीं बनाना है, तो ठीक है। अभी तो इसको हम एंड तक पहले खींच लेते हैं सभी चीज़ों को। अभी आपको क्या करना है गाइस, थोड़ा सा आगे जाना है और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है अपनी टाइमलाइन पर, ये देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये पर्पल कलर में चेंज हो गई, तो ये बीच में इसमें मार्क कर देना है, ठीक है। वो क्यों किया है मैं अभी बताता हूँ, अभी बाकी चीज़ों को थोड़ा खींच लेते हैं लास्ट तक थोड़ा। सो बेसिकली ये सब हम कर इसलिए रहे गाइस क्योंकि अब हमको एनिमेशन सेट करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको सीखना है एनिमेशन करना तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको देख लेना, वो आपको हेल्प करेगी। अभी मैं जल्दी से बता देता हूँ, तो एनिमेशन सेट करने के लिए ये जो लेयर पर, कोई सी भी लेयर पर आप पहले कर सकते हो क्योंकि करना तो तीनों में ही है ना। तो मैंने जैसे अभी इस लेयर को सिलेक्ट किया, एनिमेशन वाले ऑप्शन में गया और यहाँ पर बीच में जा करके जहाँ पे मार्क किया था ना, प्लस वाले आइकन को दबा दिया, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन सेट। यहाँ तक मतलब फाइनल पोजीशन तक आते आते हमको चाहिए चीज़ें जगह पर, उससे पहले वाली पोजीशन पर गया मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे और चश्मे को दूर कर दिया मैंने थोड़ा सा, और घुमा भी दिया और साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये हो जाएगा एनिमेट। अब अगर इसको प्ले करेंगे ना हम, तो जैसे ये इनिशियल पोजीशन, ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन और इसके आगे ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो ये आपको कंफ्यूजिंग अगर लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार आप मेरी वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लियरली इसी को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप फेस को ट्रैक कर सकते हो, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव हुआ, वो भी ऑब्जेक्टिव था, तो एक बार देख लेना क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही मैं सेम चीज़ें कर रहा हूँ दूसरी भी लेयर्स में, तो चेन वाले ऑप्शन के साथ भी, मतलब लेयर के साथ भी सेम चीज़ करूँगा। सबसे पहले उस मार्कर पर चला गया मैं और की फ्रेम वाली मतलब एनिमेशन वाली ऑप्शन पर गया और यहाँ पर प्लस वाला आइकन सबसे पहले दबा दिया, सिंपल सा काम। अब वापस से पीछे आ गया मैं और इसकी पोजीशन जहाँ से भी आपको इसको स्टार्ट करना है वहाँ पर सेट कर दी। जैसे इसको इधर से मैं घुमा देता हूँ थोड़ा और साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्ले करूँगा तो यहाँ से होते होते छोटा होकर उसकी पोजीशन पर सेट हो जाएगा। वो चश्मा भी घूम रहा है क्योंकि उसकी हमने कर दी ऑलरेडी। अब पारी आती है इस सिगार, तो सेम चीज़ करना है। अब मैं गया सिगार वाली इमेज पर और उसको सेलेक्ट किया और एनिमेशन वाले ऑप्शन पे गया, उस मार्कर पे गया, प्लस वाला आइकन दबाया और वापस से पीछे आया, फिर से इसकी इमेज को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, मतलब साइज़ को, और मैं चाहता हूँ इस बार इधर राइट साइड से आए घूम के, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ पर मैंने सेट कर दी, इसको प्ले करूँगा मैं अगर, तो ये देखो तीनों चीज़ें, हमारा इफेक्ट बढ़िया सा थग लाइफ वाला क्रिएट हो चुका है। अभी अगर आप चाहते हो कि इसमें एक और इफेक्ट ऐड करूं, तो यहाँ पर लेयर में जाओ, बैकग्राउंड में जाकर के एक वाइट लेयर को सिलेक्ट करो, मैंने ऑलरेडी सेट करी हुई है यहाँ पर नीचे। अब इसको सिलेक्ट करके इन एनिमेशन वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा उसको सिलेक्ट करो और इसका इन एनिमेशन फेड पर क्लिक करो और हाँ ठीक है, सेट कर दो और सेम आउट एनिमेशन को भी यही करो। अब इसमें एक जादू करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करो, इसका ब्लेंडिंग मोड जस्ट ओवरले पर क्लिक कर दो,
तो एक बढ़िया सा एक और इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, शे वाला। अब इसको प्ले करके देखते हैं, एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने से पहले इसको लाइक कर दो। इस वीडियो पर मैं एम रख रहा हूँ 100 लाइक्स का, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, आई दो तो थैंक यू। क्या भाई छोटू, हाँ पैसा लोगे हमसे, जानता हूँ कौन है। 5 रुपए देने में आपकी कितनी फट रही है, तो पक्का आपको